इसराइल की सलामती हो इसराइल का पाक खुदा आप सबको बड़ी बरक़त है नाजरीन मैं आपका अपना फराज परवेज़ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तु का आगाज़ करें मैं दुआगो हूँ उन तमाम जख्मियों के लिए जो गुज़री कल यरूशलम में शदीद जख़्मी हुए खुदामंद इसराइल का पा खुदा उनको स्पीडी रिकवरी और उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती फरमाए ताकि वो सेहत तंदरुस्ती पा के खुदा कदस के नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकें नाज्रन कल ये यरूशलेम के अंदर एक वाक़ पेश आया 21 नवंबर, सन 2021 के सुबह जनाब पैलेस्टाइन से आया हुआ एक जो उनकी मेम्बरशिप रखता है मुसलमान वो जनाब एक जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ ड्रेसिंग होती है वो पहनकर ओल्ड सिटी यरूशलेम के करीब वेस्ट वॉल के पास ये जो दो टेररिस्ट ये एंटर हुए वहाँ पर ये मसल थे और उनके पास बड़े ही जदीद हथियार थे उन्होंने आते ही वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी जो हमारे इसरोलाइट्स जूस हमारे भाई थे वो बहुत ही शदीद जख्मी हुए और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और ये जो बंदा आया इनकी जो एक्टिविटी थी मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह इस्लाम और मज़हब के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं ये किस तरह एक यसु मसीह के ख़ानदान को या घराने को ख़ुदा मसीह की असल और नसल को किस तरह ये नफ़रत से देखते हैं और उनके दिलों में उनके लिए क्या नफ़रत पाई जाती है ये ज़रा देखिए जब वो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर के लिए जा रहे थे तो ये इन मों ने दहशत गर्दों ने जिनका ताल्लुक हमास से है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन से इनका ताल्लुक है इन्होंने जनाब जो बर्बरी ढाई आप ये देख सकते हैं वीडियो ये आप देख सकते हैं कि जनाब ये कल ओल्ड सिटी के अंदर ये वाक़ पेश आया और जब ये वो जालिम ने उस बदबक इंसान ने वो उन मासूम ज़िंदगी को ओल्ड सिटी के अंदर जब बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाया और आप ये ओल्ड सिटी की सूरत हाल देख सकते हैं ये ब्लड किस तरह वहाँ पे बहा यू कैन सी वेरी क्लियरली ये आप देख सकते हैं तो मैं उन तमाम अपने चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों को जो इसराइल के लिए दुआ करते हैं जो यरूशलेम की सलामती चाहते हैं जो हकम खुदाबंदी के मुताबिक यरूशलेम पर इसराइल पर सलामती भेजते रहते हैं और उसके लिए बरक़ात मांगते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने खुदाई कदस के हजूर ज़रूर झुकीिए जब आप झुकते हैं तो उन तमाम ज़ख्मियों के लिए जिनको इस हमास के दहशत गर्द ने टेर्रिस्ट ने शदीद ज़ख्मी किया और आ, वो उस जवान शख़्स को कत्ल किया डेविड को जिसकी एक माह बाद शादी होने वाली थी जिसको इस मुसलमान शख्स ने कत्ल कर दिया खुदांद उसके ख़ानदान को बड़ी इतमान और तसली बख्शे और हम खुदावंत के हजूर दुआगों हैं खुदावंत इसराइल का पा खुदा अपने तमाम उन लोगों की जो कल वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए वो अपने ज़ख्मों की स्पीडी रिकवरी कर सकें और हम दुआगों हैं कि खुदावंद इसराइल का पा खुदा यरूशलम को संभाले रखे, उसकी हिफाजत फरमाएँ उसके दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करें जिस तरह कला खुदा में लिखा है तो हमें ये चाहिए कि हम इसराइल के लिए सलामती मांगें दुआ चाहें जब ये कल मामला यरूशलम से रिपोर्ट हुए जिस वक्त मुझे वहाँ से इल्म हुआ आ, दोस्तों ने वहाँ से अपडेट किया तो बड़ा ही दिल दुखता है जब ख़ास तौर यरूशलम के अंदर ये जो बदबخت हैं मनहूस हैं जो जो उन हमारे भाइयों के ऊपर इसराइल्स के ऊपर जब ये बारबरीत ढाते हैं तो बड़ा ही दिल दुखता है अफसोस होता है बेचैनी आ जाती है तो इसी बेचैनी और बेबसी में मैं इसराइल के लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ उसके लिए सलामती मांगते रहते हैं उसके लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद इसराइल का पा खुदा यरूशलम के अंदर अपना रहम करे और उसकी जितने भी चारों तरफ जो दुश्मन बैठा है मुखालफी बैठे हैं जो हर वक्त उसको नुकसान पहुँचाने का सोचते हैं तो खुदावंद पा खुदा खुदा कदूस इसराइल की हिफाजत फरमाए उसके चारों तरफ अपने रोलकुद का वो पहरा बिठाए और अपनी दोधारी तलवार से उनकी हिफाजत फरमाए अपना ख्याल रखें और इसराइल के लिए सलामती भेजते रहें यरूशलेम के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पर ये जो अंदोनाक एक वाक़ वहाँ पर रोनुमा हुआ है जो इस्लामिक टेरिस्टों ने किया है खुदावन आ, उन सबों को माफ़ फरमाएं जिन्होंने ये बर्बरी उठाई गॉड ब्लेस यू